हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बिगिन करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और इस लेक्चर में हमारा दो ही बेसिक रिएक्शन हम लोग स्टडी करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, देखो क्या होता है कि जब हम कभी भी किसी चीज में कोई रिएक्शन करते हैं, ठीक है, कोई रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, ए और बी को जब मैं रिएक्ट करता हूँ तो क्या बन जाता है, ए बी बन जाता है। यही क्या है, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। मतलब मैं एक आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि जब मैं दो एलिमेंट्स को अलग अलग एलिमेंट्स को रिएक्शन में कंबाइन करता हूँ तब क्या बन जाता है, एक नया कंपाउंड बनता है उन दोनों को मिलके। ठीक है, अच्छा ये दोनों मिलते हैं तो रिएक्शन होता है। रिएक्शन होता है तो कैसे पता चलता है, या तो हीट जनरेट होती है, या तो लाइट जनरेट होती है, या प्रेसिपिटेट होता है, गैस इवॉल्व होती है, ठीक है, एक्सप्लोजन होता है। ये सब तरीका है, हमें पता चलता है कि हाँ आज दो चीजों के बीच में क्या हुआ है, रिएक्शन हुआ है। अच्छा, रिएक्शन होने के लिए कोई ना कोई तो मीडियम चाहिए, या तो हीट करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर एक्वस सॉल्यूशन चाहिए हमें, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हमें तभी रिएक्शन होगा, ठीक है, या फिर लाइट चाहिए हमें, उसको लाइट देंगे तब जाके रिएक्शन होगा। तो क्या है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मीडियम होते हैं या फिर सिचुएशन होती है जिन सिचुएशन के बीच में ए और बी रिएक्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर, चलो देखते हैं। वी हैव लर्नड इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ द अनदर एलिमेंट। मतलब अगर हाइड्रोजन का एटम है और मैं उसको ऑक्सीजन के साथ मिला रहा हूं तो हाइड्रोजन का एटम बाबू हाइड्रोजन ही रहेगा, वो ऑक्सीजन के एटम में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा, बट वो दोनों मिल जाएंगे। नॉट डू एटम डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपियर फ्रॉम एल्सवेयर। ना तो वो डिसअपियर होंगे या कहीं, मतलब एटम्स के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बस वो अपने फॉर्म को या अपने पेयर्स को चेंज करेंगे। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। क्या बोला, ब्रेकिंग या मेकिंग ऑफ बॉन्ड। ये मैंने जो अभी आपको एग्जाम्पल दिया, क्या हुआ, मेकिंग ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं, ए बी प्लस सी इक्वल्स टू, रिएक्शन क्या हो गया, ए सी प्लस बी, देखो चेंज किया ना इसने और बी बेचारा अलग हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। या फिर ए बी था, रिएक्शन किया ए प्लस बी, ठीक है, ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड। क्लियर, ये ए और बी आप ये सपोज कर लो कि कोई एलिमेंट है, ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ कंबाइन होने वाला है, कुछ ना कुछ रिएक्शन में कंबाइन होने वाला है। ठीक है, देखो क्या बोला है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। ठीक है, देखो नीचे में कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया और बीकर में, स्लोली एड वाटर टू दिस, टच द बीकर, बीकर को टच करो, क्या आपको टेम्परेचर चेंज फील होगा, होगा आपको हीट फील होगा वहां पर। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरेसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक लाइम, जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और रिएक्शन के दौरान क्या होता है, बहुत सारी हीट जनरेट होती है, तभी तो मुझे पता चला कि रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, कलर चेंज होता है तो मुझे पता चलता है कि रिएक्शन हो रहा है। अब ये वाला पार्ट देखो, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बन गए, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इन दोनों का कंबाइन हो गया। क्या कोई रेसिड्यू बचा गया, कुछ नहीं बचा, खाली ये दोनों पार्ट मिल गए। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर ए प्लस बी हमारा ए बी बन जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। रिएक्टेंट दो थे, प्रोडक्ट एक है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोला, टू और मोर, सर ए प्लस बी प्लस सी भी तो हो सकता है, ए बी सी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कंबाइन करने के लिए मिनिमम दो चाहिए, दो से ज्यादा होंगे और वो कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको भी हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे।
ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कुछ और एग्जांपल देखो, हमने कोल को बर्न किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वही अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दें तो क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर वाटर की, तो 2H2 plus O2 क्या मिला? H2O। क्लियर, देखो क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हमें क्या मिलता है? H2O। अब O तो यहां अकेला रह गया, इसके लिए यहां पर क्या लग गया? 2 लग गया, तो O कितना हो गया? 2। O मैच हो गया, H कितना हो गया? 4। बैलेंस करने के लिए H के पास क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। क्लियर, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस एलिमेंट्स और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऑलरेडी हम लोग ये बात समझ चुके हैं। अदर एग्जांपल, अगर नेचुरल गैस CH4 माने CH4 होता है मीथेन, ये हम लोग डिटेल में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में समझेंगे, अभी के लिए CH4 मीथेन। अगर हम उसको बर्न करते हैं तो मुझे क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। और ये कैसा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। क्या? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है? जिसमें हीट रिलीज होता है, जिसमें हीट रिलीज होता है। और एंडोथर्मिक, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। यहां पे लिख लो, हीट, हीट इज रिलीज्ड। यहां पे क्या हो रहा है? हमारा हीट रिलीज हो रहा है। ठीक है, देखो, when heat is released along with the formation of the product, important क्या है? product जब बना, ये क्या बना? product बना, product के साथ हमें heat मिला, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? exothermic chemical reaction। मतलब reaction है, chemical reaction है। exothermic कब बोलेंगे? जब product के साथ हमें heat मिलेगा, जब product के साथ हमें heat मिल जाए तो हम उसको बोलेंगे exothermic reaction। अच्छा, एक और बात बच्चों, आपको पता है कि रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। देखो क्या होता है कि हमें जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है, और ये एनर्जी कहां से आती है? हम जो खाना खाते हैं। क्या होता है जब हम खाना खाते हैं? एक बड़ा बाइट होता है, डाइजेशन होता है, वो डाइजेस्ट होके एकदम छोटे 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 सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि राइस, राइस को आप खाने से पहले देखो, राइस एकदम स्ट्रांग होता है, आप उसको पहले पानी में भिगोते हो, फिर उसको बॉईल करते हो ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, फिर आप मुंह में उसको च्यू करते हो, च्यू करने के बाद एकदम सॉफ्ट हो जाता है, तब वो आपके स्टमक में जाता है, और वो स्टमक में भी जाने के बाद सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे राइट, पोटैटो, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट, दीज कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, और फिर वो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग ब्रेक डाउन कर देते हैं ग्लूकोज में। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड अस एनर्जी। तो हुआ क्या, कार्बोहाइड्रेट, देखो पहले हमने राइस खाया, राइस से निकला कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से निकला ग्लूकोस, ग्लूकोस मिक्स हुआ ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन कहां था? हमारे बॉडी के सेल्स में, और हमें क्या मिला? एनर्जी मिला। तो अगर हमारे बॉडी में बच्चों अगर अच्छा खासा ऑक्सीजन है और अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट है, तो हमें कभी भी एनर्जी की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर, ये हमारा रिएक्शन है। ग्लूकोज क्या होता है? C6H12O6 किसके साथ मिला? ऑक्सीजन के साथ मिला। कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं, वाटर जनरेट होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें एनर्जी मिलती है। ग्लूकोज किसके साथ मिला? ऑक्सीजन के साथ मिला। क्या दिया रिटर्न में हमें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। अब आते हैं, द डिपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चों कंपोस्ट क्या होता है, लिखो यहां पर साइड में, लिखो डिकेड ऑर्गेनिक मेटेरियल, डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल, डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर, यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर, यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर फॉर ग्रोइंग प्लांट, फॉर ग्रोइंग प्लांट। तो देखो
सबसे पहले हम कंपोस्ट को क्या समझे कि डिकेड ऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है। मटेरियल जो है वो डिके हुआ, डिके किसके वजह से होता है, फंगस बैक्टीरिया जो होते हैं वो उसको डिके करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है उसका रीजन लिखो, यहां पर लिखो, बिकॉज माइक्रोब्स नीड एनर्जी टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ वेजिटेबल, ब्रेक द बॉन्ड ऑफ वेजिटेबल्स टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ वेजिटेबल दैट्स वाई इट प्रोड्यूस हीट एनर्जी, इट प्रोड्यूस हीट एनर्जी। होपफुली यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। जो माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जो उसको डिकम्पोज करते हैं, अब उनको ब्रेक करना है वेजिटेबल्स के बॉन्ड को सिंपलर सब्सटेंस में। जैसे हमारा चावल को हम ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज में, कितना स्टेप्स लगता है कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज। तो जब ये ब्रेक डाउन होता है वेजिटेबल्स का तो उसको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहां से आती है, इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्लियर हो गया। तो बच्चों कॉम्बिनेशन यहां पर कंप्लीट हो गया है, डिकम्पोजिशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी सी, ये था कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन क्या होगा, ए बी सी हमें क्या देगा, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये एक सब्सटेंस को तोड़ के डिफरेंट एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। टेक अ 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, ये ड्राई बॉइलिंग ट्यूब है, इसमें क्या ले लो, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल ले लो। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, आप क्या बोला, हीट करो ट्यूब को ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर, ये देखो बर्नर के ऊपर क्या कर रहा है, हीट कर रहा है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग, अब क्रिस्टल का कलर ऑब्जर्व करो हीट करने के बाद क्या होगा। Have you noticed that the green color of the ferrous sulfate crystal has changed? क्या आपने, जब आप ये रिएक्शन करेंगे obviously, तब आप क्या देखेंगे कि ग्रीन कलर का जो ferrous sulfate का क्रिस्टल था वो चेंज हो जाएगा, और अब आप किसी चीज को बर्न करते हैं तो स्मेल भी आएगी। जब आप किसी चीज को बर्न करेंगे तो स्मेल भी आएगी। तो बर्निंग सल्फर का जो है, सल्फर जो है जब हम उसको बर्न कर रहे हैं तब एक अलग से ओडोर स्मेल आएगी, ठीक है। रिएक्शन कैसे होगा, फेरस सल्फेट हीट किया, ठीक है, क्या बना, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, तीन चीज में डिकम्पोज हो गया। क्या हुआ, डिकम्पोज, क्या, फेरस सल्फेट तीन चीजों में, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट, अ सिंगल रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट था, ये क्या था, रिएक्टेंट इनटू थ्री डिफरेंट प्रोडक्ट, रिएक्शन किसके वजह से हुआ, हीट के वजह से हुआ, ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट, सिंपलर प्रोडक्ट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। हमें क्या क्या मिला, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड सॉलिड और ये दोनों गैसेस के फॉर्म में, ठीक है, बात समझ में आ गया। चलो इसी तरह हम लोग एक और रिएक्शन देखते हैं बच्चों, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन जिसको बोलते हैं। जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज एन इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड यूज इन वेरियस इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग लाइम या फिर क्विक लाइम भी
बोलते हैं, और इसका बहुत सारा यूज़ है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। कहाँ यूज़ है? सीमेंट में, इम्पॉर्टेंट। जब हम सीमेंट बनाते हैं तब इसका बहुत यूज़ है। व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। जब कभी भी हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन को बच्चों हीट करके करते हैं तो उसको नाम दिया गया थर्मल। थर्मल माने हीट, थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी ऑब्जर्व दैट द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। अच्छा, पहले एक्टिविटी देखते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है, बॉइलिंग ट्यूब में लेड नाइट्रेट ले लो। ठीक है, उसके बाद उसको भी हीट करो। आप क्या देखोगे? ब्राउन फ्यूम्स। ऊपर से आप कैसा देखोगे? ये वाला ब्राउन फ्यूम्स निकल रहा है। दीज फ्यूम्स आर नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। रिएक्शन कैसा हो रहा है देखो। ये हमारा लेड नाइट्रेट था, आपने हीट किया, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन। ठीक है, 3 चीज़ों में डिकम्पोज हुआ और हीट था, इसका मतलब क्या है? ये थर्मल डिकम्पोजिशन है। बात क्लियर हो गया? अच्छा, एक और, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है। वाटर का हम लोग क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस, सिर्फ वाटर का। तो हम क्या देखेंगे? हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। देखो, वाटर था, ये वाटर था। इस वाटर को, ये हमारा एक ट्यूब में ऑक्सीजन आ गया और एक ट्यूब में हमारा हाइड्रोजन आ गया। दोनों मैंने क्या किया? देखो, H2O था तो इसको मैंने H एंड O में डिवाइड कर दिया। बात समझ में आ गई? कैसे किया? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से किया। देखते हैं, आप एक प्लास्टिक मग लो, ठीक है, और उसमें से 2 होल कर दो नीचे में। ठीक है, ड्रिल 2 होल्स एट इट बेस एंड फिट द रबर स्टॉपर इन दिस होल्स। और रबर स्टॉपर लगा दो ताकि पानी बाहर ना आ जाए, और फिर कार्बन का इलेक्ट्रोड लगा दो इन द रबर स्टॉपर। ये क्या है? कार्बन का ब्लैक इलेक्ट्रोड है। कौन सा वाला? ये वाला, ये दोनों। ठीक है, कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड टू अ 6 वोल्ट बैटरी। इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दो। ठीक है, मग को पानी से भर दो। ठीक है, और उसमें ताकि हमारा जो इलेक्ट्रोड्स है वो डूब जाए। ठीक है, और फिर उसमें से थोड़ा सा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिला दो, क्योंकि देखो जो पानी होता है ना, इट्स नॉट अ प्योर वाटर, इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें मेरे को हल्का सा अगर एसिड मिला देंगे, नाउ इट विल बिकम अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब लो फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड। 2 टेस्ट ट्यूब लेके, ये वाला जो टेस्ट ट्यूब है, ये जो है, इसको आप उल्टा करके उसके अंदर हमारा जो इलेक्ट्रोड है कार्बन का, उसके अंदर डाल दो। ठीक है, करंट को ऑन कर दो और थोड़ी देर के लिए अपरेटस को बिना छेड़े एज इट इज रहने दो। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड। दोनों इलेक्ट्रोड में आपको जो ट्यूब है उसमें क्या दिखेगा? बबल्स दिखेगा। दिस बबल डिस्प्लेसेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। वो क्या करेंगे? जो टेस्ट ट्यूब में पानी है उसको रिप्लेस करके ऊपर में, देखो ये जो ऊपर का जगह है आपका, यहाँ पर क्या इकट्ठा हो रहा है? गैसेज इकट्ठा हो रहा है। ये जो एरिया है ना, यहाँ पर गैसेज इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, क्या दोनों में सेम है? नहीं, हाइड्रोजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है। क्लियर? और जब टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद द रिस्पेक्टिव गैसेज, रिमूव देम केयरफुली, टेक द गैसेज वन बाय वन, ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली बाय द टीचर। व्हाट हैपेंड ईच केस? द गैस प्रेजेंट इन द ईच टेस्ट ट्यूब। तो हम लोग क्या है, जैसे ही दोनों टेस्ट ट्यूब के पास कैंडल लेकर आएंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि गैसेस कौन सी है, ऑक्सीजन कौन सी है और हाइड्रोजन कौन सी है। ठीक है, बात समझ में आ गया? एक और, टेक अ 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश। ठीक है, उसका कलर कैसा होगा? प्लेस दिस चाइना डिश इन अ सनलाइट फॉर सम टाइम। चाइना डिश को आप सनलाइट में छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे। कैसा था कलर? वाइट। अब कैसा हो गया? ग्रे, कलर चेंज हो गया। बात समझ में आ गई? दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू द सिल्वर एंड क्लोरीन। जो हमारा सिल्वर क्लोराइड था, किसके वजह से? सनलाइट के वजह से सिल्वर और क्लोराइड में डिवाइड हो गया। क्लियर? उसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड भी सिल्वर और ब्रोमाइन में डिवाइड हो गया। द अबव रिएक्शन आर यूज इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये हम कहाँ यूज करते हैं?
ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इम्पॉर्टेंट है, सब शॉर्ट शॉर्ट पार्ट इम्पॉर्टेंट है। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग द डिकम्पोजिशन रिएक्शन? सनलाइट, लाइट एनर्जी। हैव यू सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी? स्टार्टिंग में हमने हीट देखा, फिर इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रोलाइसिस देखा और फिर लाइट देखा, ठीक है। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो जब कभी भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक, और जब कभी भी एनर्जी रिलीज होती है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। बात क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा ये दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।